नाभि में बाण लगते ही धू धू कर चला अहंकारी दशानन, गुंजा जय श्री राम का जयघोष। खरगोन विजयादशमी शहर सहित अंचल में उमंग उत्साह के साथ मनाया गया। शहर के नवग्रह मेला मैदान सहित करीब 8 से अधिक स्थानों पर रावण के बड़े पुतले का दहन आकाशीय आतिशबाजियों के साथ हुआ। मुख्य आयोजन नवग्रह मेला मैदान पर हुआ, जहां 51 फीट ऊंचे रावण के पुतले का शाम 7:30 बजे दहन हुआ। इस बार रावण को राजसी ठाट बाट के बजाय धोती कुर्ता पहनाकर श्री राम के सामने खड़ा किया गया था। बलशाली रावण हाथ में तलवार लिए अट्टहास किए अपने अहंकार को दर्शा रहा था, लेकिन उसका अहंकार श्री राम का बाण नाभि में लगते ही चूर चूर हो गया। पल भर में 51 फीट ऊंचा पुतला धू धू कर जल उठा। दहन से पूर्व रतलाम से आई टीम ने रंगारंग आतिशबाजी कर लोगों का मनोरंजन किया। नहीं निकली शोभा यात्रा, रावण दहन से पहले परंपरागत रूप से पहाड़ सिंहपुरा स्थित कलश चौक से श्री राम लक्ष्मण और हनुमान जी की शोभा यात्रा निकाली जाती रही, लेकिन इस बार शोभा यात्रा नहीं निकाली गई। समाज अध्यक्ष दीपक डंडेर ने बताया कि विजयादशमी पर ही रघुवंश राजपूत समाज के गुरुवर विजय रामदास महाराज अयोध्या ब्रह्मालीन हो गए, जिससे समूचे समाज में शोक की लहर व्याप्त है। चूंकि रघुवंशी समाज द्वारा रावण दहन की परंपरा रही है, इसलिए समाज के श्री राम लक्ष्मण और हनुमान के रूप में युवा दहन स्थल पर सादगी के साथ पहुंचे। इस बार सेना के रूप में शोभा यात्रा नहीं निकाली गई। डिजियाना न्यूज निमाड रिपोर्ट। हर की पल पल की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल डिजियाना न्यूज निमाड को सब्सक्राइब जरूर करें।